15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चेन्नई रैनोज 114 पे दो, पृथ्वी 24 पे, विक्रांत अभी 69 पे, 36 गेंदों का सामना किया है। राहुल का पहला ओवर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ, राहुल ने भी अब 16 रन दिए थे अपने पहले ओवर में। विक्रांत क्या गजब की है, बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं आप, शॉर्ट्स लगा रहे हैं, और पिछला जो शॉट लगाया था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे, जितनी बार आप देखेंगे उतना कम। रोहन कन्हैया आप जाने जाते थे ऐसे शॉट्स खेलने के लिए, यहाँ पे आप ये जो शॉट खेला है बहुत ही बढ़िया। इससे पहले एक सीधे बल्ले से छक्का भी लगाया था, ये एक खतरे की घंटी है। फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं देवांग गांधी, स्वागत है आपका। देवांग, विक्रांत की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी बहुत उम्दा एक बैट्समैन थे। धन्यवाद अजय, और वाकई में बढ़िया बल्लेबाजी की है, और जहां तक इस साझेदारी की बात करें तो 76 रन जोड़े इन दोनों ने केवल 45 गेंदों में, तो एक अहम साझेदारी, अहमियत समझते हैं इस मैच की। जिस तरह से उन्होंने ये पारी खेली है विक्रांत ने, बिल्कुल तारीफ के हकदार हैं, बिल्कुल साफ सुथरी पारी खेली है, और कुछ बहुत ही शानदार शॉट्स खेले, अकलमंदी के साथ खेले हैं। शुरुआत में अपना वक्त लिया और एक बार सेट हो गया तो देखिए, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट और खिले हुए चेहरे नजर आ रहे हैं जिस स्थिति में चेन्नई राइनोज की टीम है, और खासकर खुशी दी है विक्रांत ने जिस प्रकार बैटिंग की है, 8 चौके और एक छक्का लगा चुके हैं, और फिलहाल स्ट्राइक पे। एक वक्त ऐसा लग रहा था काफी पिछड़ी है चेन्नई राइनोज की टीम, पर ये जो बैटिंग दिखाई है विक्रांत ने और जो साथ दिया है पृथ्वी ने, उनको आप भूल नहीं सकते। ये साझेदारी अब काफी आगे लेके गई है चेन्नई राइनोज को, पर अभी भी अब ये मुकाबला समाप्त नहीं हुआ, काफी अब क्रिकेट शेष है इस मुकाबले में। बिल्कुल, और एक दो विकेट यहाँ पर गिरती है तो खेल का रुख पूरी तरह से बदल सकता है, और ये खेल 2020 है ही ऐसा कि एक दो ओवरों में अभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। सभी सेल्फी के मूड में हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं पृथ्वी और विक्रांत। उमदा पारी खेली है विक्रांत ने, 60 रन, और उनका बखूबी साथ निभाया है पृथ्वी ने, खेले 26 पर। यहाँ पर चेहरा कप्तान का दिख नहीं रहा है सुदीप का, अजीब वो गरीब हेलमेट पहना हुआ है। रग्बी में अक्सर हमने देखा है, रग्बी में जो कीपर होते हैं इस तरह का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। इस बार ऑन साइड पे उठा के खेला है, यहाँ पे और रन मिलेंगे, 4 रन मिलते हुए विक्रांत को आज रोकना बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल। अजय बहुत ही चालाक और चतुर बल्लेबाज है विक्रांत, स्वीप फील्डर नहीं था, अंदर की तरफ शफल किया और बिल्कुल सही जगह पर मारा, हवा में खेला था लेकिन फिर भी कोई जोखिम नहीं, कोई भी फील्डर नहीं था, इसलिए सूझबूझ के साथ ये शॉट खेला। देख ले रहे हैं कहां पर फील्डर तैनात नहीं है, वहीं पर शॉट खेलने की कोशिश की, दाद देता हूं इनकी सोच की। इस बार मौका था और गवा दिया, क्या ये कैच छोड़ा है या मुकाबला भी छोड़ दिया है। हालांकि काफी अब तेज गति से अब गेंद आई थी उनके पास, स्ट्राइक किया था। 16 ओवर की समाप्ति 122 पे दो। बहुत ही दिलचस्प मोड पे आ चुका है मुकाबला, चेन्नई राइनोज 122 पे दो, कर्नाटका बुलडोज 16 ओवर के बाद उनका स्कोर था 118 रन पर, 5 विकेट उन्होंने गवा दिए थे, और जवाब में चेन्नई राइनोज 122 पे दो तो ज्यादा बेहतर स्थिति में, 4 रन भी अधिक बनाए हैं, 3 विकेट भी कम गवाए हैं। विक्रांत पूरी तरह से सेट है, जहां जा रहे हैं स्ट्रोक खेल रहे हैं,
और ये फर्क होता है दिवांग जब एक सेट बल्लेबाज क्रीज पे बिल्कुल। और जिस तरह से पारी की शुरुआत की थी लग रहा था कि दबाव को झेल नहीं पाएंगे चेन्नई के बल्लेबाज, लेकिन जिस तरह से विक्रांत ने सामना किया है और अब जिस स्थिति पर आ गई है चेन्नई की टीम, लग रहा है पूरी पकड़ बना ली है इस मैच के ऊपर। यहां से लग नहीं रहा है कि हारना चाहिए ये मैच, बढ़िया स्थिति में है चेन्नई की टीम और दबाव अब यहां पर है कर्नाटका बुलडोजर्स के ऊपर। क्या गेंदबाज वापसी दिला पाएंगे, झटके बहुत ही जरूरी है यहां पर, विकेट लेनी होगी। अगर विकेट का कॉलम देखें तो सिर्फ दो विकेट गंवाई हैं चेन्नई की टीम ने, फील्ड काफी फैली हुई है, यानी एक रन तो अगर आप अच्छी गेंदबाजी भी करते फिर भी एक रन मिलेगा ही आपको, यानी आप अगर एक बाउंड्री मार सकते हैं तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हुए लेग साइड के बाहर, वाइड का इशारा, दबाव अब दिवांग काफी बढ़ रहा है कर्नाटका बुलडोजर्स के ऊपर। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे एक मौका था विक्रांत की विकेट लेने का, काफी जोर से अब स्ट्राइक किया था, बैकफुट पे गए थे, आसान नहीं रहता ऐसे कैचेस पर कई बार पकड़े जाते हैं। और आपको याद होगा विक्रांत ने जब वो गेंदबाजी कर रहे थे एक बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था, और जैसे अगर आप कैचेस आप पकड़ ले स्थिति में तो मुश्किलें बढ़ जाती है। पर ये क्या बढ़िया शॉट, गजब की बैटिंग, अब तो राह काफी आसान नजर आ रही है चेन्नई राइनोज की। अगर ऐसे रन आते जाएंगे तो फिर कर्नाटका बुलडोजर जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। विक्रांत यहां पर खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ, पिछले ओवर में भी देखा था ऐसा ही शॉट खेला, तो इस बार फिर से दोहराया दिल स्कूप। खेलकर अपने दिल से यहां पर होते तो बहुत ही नाश करते, ये शॉट को देखकर बहुत ही खुश होते। गेंद की लेंथ को कितनी जल्दी पढ़ रहे हैं और क्या पोजीशन में आ रहे हैं, क्योंकि जो जोखिम उठा रहे हैं अगर गेंद को मिस करते हैं तो सीधा बोल्ड होंगे। इतना बढ़िया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इतना बढ़िया तरीके से उसका निष्पादन कर रहे हैं, बहुत ही हाई क्लास इनिंग्स कहना होगा दूसरे रन के लिए वापस आते हुए। इतने फिट है, इतनी तेज गति से दौड़ लगा रहे हैं, ये क्लास नजर आ रही है। पूरी इनिंग्स को अगर आप देखें अब दिमाग का बहुत बढ़िया तरीके से संभाला है विक्रांत ने, 71 में पहुंच चुके हैं, 42 गेंदों का सामना किया है, लगातार अपने साथी से भी आप बातचीत करते हुए उनको कुछ सुझाव दे रहे हैं बता रहे हैं, और बड़ी अकलमंदी दिखा रहे हैं यहाँ पर। पहली गेंद पर चौका चढ़ा था, फिलहाल नीचे चलते हैं गेलन जो कि बाउंड्री साइड पे हैं और देखते हैं वो किससे बात करेंगे इस बार। With me is a really young, enthusiastic girl who right now is a tad bit nervous. Let's ask her why. Akshara Hassan, tell me firstly, are you nervous about Chennai or are you nervous about Shamitab? You can say both, yeah. I'm pretty nervous actually. And no offense to anybody, but my film is releasing in a few days, so I... please. No, absolutely. We are sure that your film is going to do extremely well. For starters, tell us, how is it? So in the first shot, mein jab chhakka lag jata hai na, it's absolutely fantastic. It's pretty much like your situation right now. Pehli film mein Dhanush and Amitabh Bachchan. Tell us a little more about your experience working with them. Oh, first and foremost, to get this film as my first project is... I'm honored to have gotten this opportunity because, see, I dropped out of high school, I'll be very honest. And this is like... university for me, to be so just been a complete honor working with them, and I've learned truckloads, and I still feel there's a lot more to learn from them. This one film is not enough. I think I need 100 more films to learn almost everything, and I still think those films are not enough. Absolutely. Thank you so very much, Akshara. All the very best. We're sure you're going to absolutely nail this one. And let's hope Chennai does that too this time. Yes, I hope so. Yes. All right. Thank you so very much. It's back to commentary. Shukriya, Gailan. Jiyam. We hope that the picture is going to be released. Shamitab is a very big superhit, blockbuster. Because there are some actors working. Dhanush is also great. Mr. Amitabh Bachchan is also. और आज ग्रेट बैटिंग देखने को मिली है। अगर आप विक्रांत की बात करें, 17 ओवर की समाप्ति 132 पे दो। In the 17 overs, Chennai Rhinos 132 for 2. Last three overs. Really.
100 हार्ट्स इनिशिएटिव, पिछले 7 सालों में 2000 बच्चों का इलाज किया है हृदया ने। बहुत ही बढ़िया ये एनजीओ है, नेक कार्य कर रहा है। 132/2 चेन्नई एक्सप्रेस धीरे धीरे अग्रसर हो रही है उस लक्ष्य की ओर, उस जीत की ओर। 25 रन अभी भी चाहिए, 3 ओवर बाकी और धनुष के आते ही चेन्नई में कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो गई। बिल्कुल दिवांग, देखिए रंग आ गया, सुर आ गया, सब कुछ सही बैठ गया, रंग और एक्साइटमेंट आ गई और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धनुष के आने से मुझे लगता है जो अब पॉजिटिव जो वाइब्रेशन नजर आई है वो अब जो बैटिंग है उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रही है। कमाल की अब बल्लेबाजी की है, पर अब विक्रांत और पृथ्वी ने 94 रन की साझेदारी, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था जब पहली विकेट 10 पे गिर गई थी, दूसरी 38 पे, कि ये जो लक्ष्य है इसको हासिल करना इतना आसान नहीं। बहुत ही एक स्लो स्टार्ट हुआ था चेन्नई का, और अब 25 रन चाहिए 18 गेंदों में। काफी वेल स्प्रेड एक फील्ड है, खिलाड़ी डीप पॉइंट पे, डीप थर्ड मैन पे, लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पे, और विक्रांत को कैसे रोकेंगे ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। जहां चाह रहे हैं वहां पे रन ले रहे हैं, पर सूझबूझ के साथ, हमने पिछले ओवर में देखा था पहली गेंद पर चौका जड़ा था, उसके बाद 2 रन लिए थे, विकेटों के बीच भी काफी तेज है और बढ़िया क्रिकेट का, अच्छा क्रिकेट का ज्ञान है उनके पास। एक परिपक्व पारी खेल रहे हैं, मच्योर पारी खेल रहे हैं। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन टाइमिंग नहीं हुई, और अगर टाइमिंग सही होती तो शायद कैच भी हो सकते थे। यहाँ पे हम विक्रांत की लगातार चर्चा कर रहे हैं दिवांग, पर आप पृथ्वी को नहीं भूल सकते जो सपोर्ट किया है, क्योंकि वो भी जब चाहे आप देखे स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि जी हाँ टाइमिंग सही बैठा नहीं, वो अपने बल्ले को देख रहे थे, शायद गेंद बल्ले की जड़ पे लगी। हम पृथ्वी को कैसे भूल सकते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पर अजय। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे 4 रन और मिलते हुए विक्रांत ज्यादा रुकने वाले नहीं है और यही चाहते हैं जल्द से जल्द ये मुकाबला समाप्त करें। इसी के साथ 100 रन की साझेदारी, कितनी बड़ी साझेदारी है कहूंगा मैच, जहां तक मैच का ताल्लुक है। शॉट खेला और सही दिशा में, बहुत ही ऊंचा गया था, टाइमिंग भी बढ़िया, लेकिन सही चुनाव कर रहे हैं गेंदों का, ये एक खासियत देखने को मिली है उनके बल्लेबाजी में। 70 रन का योगदान रहा है विक्रांत की साझेदारी में, 28 पृथ्वी का, बहुत ही मूल्यवान योगदान रहा है पृथ्वी का भी। स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं सीनियर खिलाड़ी विक्रांत, पूरी तरह से सेट है और हावी है, और वो एक सिंगल लेके छोर बदलते रह रहे हैं और ज्यादा आक्रामक रवैया नहीं अपनाया उन्होंने। अब रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 7.5 प्रति ओवर, पूरी पकड़ बनाकर रखी और इसी बीच और एक चौका, बड़ी आसानी से रन आ रहे हैं, अब 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में। देखिए जहां चाह रहे हैं खेल रहे हैं, इतनी बढ़िया ये विकेट है। प्रतिक्रिया देखिए कर्नाटका बुलडोजर्स के समर्थकों की, निराशा ही निराशा, जानते हैं ये मुकाबला फिसल रहा है। डिफेंडिंग चैंपियंस है, याद रखिए कर्नाटका बुलडोजर्स, पिछले वर्ष और उससे पूर्व बहुत बढ़िया उन्होंने क्रिकेट खेली थी, दोनों बार खिताब जीता था, पर आज जब कुछ भी उनके पक्ष में गया नहीं। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, 25-30 रन कम बनाए हैं विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, और गेंदबाजी हालांकि शुरू में अच्छी रही पर क्योंकि विकेट नहीं ले पाए दबाव उनके ऊपर लगातार बढ़ता रहा। 14 रन अब मात्र चाहिए 13 गेंदों में, और सबसे बड़ी बात कि अभी भी 8 विकेट शेष है। बिल्कुल, हम लोग एक वक्त ऐसा था शुरुआत में रन नहीं आ रहे थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी कर्नाटका के गेंदबाजों ने, लेकिन उसका मुकाबला किया, वहाँ पर रनों का दबाव भी बढ़ रहा था लेकिन दबाव में बिखरे नहीं, दबाव का मुकाबला किया और एक बार साबित कर दिया कितने सक्षम खिलाड़ी है कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी। 145/2
अच्छे स्कोर्स बनाए हैं विक्रांत ने अपने सीसीएल के करियर में, और ये उनका थर्ड हाईएस्ट इस मुकाबले में 83 पे नाबाद है। सबसे ज्यादा 97 रन बनाए थे मुंबई हीरोज के विरुद्ध विशाखापट्टनम में 2011 में। तो क्षमता है और बहुत कंसिस्टेंट एक परफॉर्मर रहे हैं, शतक आज तक जड़ा नहीं है। आज भी कठिन नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ से मात्र 12 ही रन चाहिए 12 गेंदों में। बिल्कुल, और जब विष्णु आउट हो गए थे तो उनके ऊपर खासा दबाव था, और इस टूर्नामेंट में भी देखिए केरल के विरुद्ध 35 बनाए थे, मुंबई के विरुद्ध 63 नॉट आउट थे, और इस मैच में जब टीम को जरूरत थी, सख्त जरूरत थी, तब उन्होंने ये पारी खेली है। ये एक बड़ी निशानी, अच्छे खिलाड़ी हमेशा तभी रन करते हैं जब टीम को जरूरत होती है। और अभी भी देखिए बड़े शॉट्स खेलने की कुछ खास हमेशा कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पकड़ में है मैच, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देवांग, सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार सिचुएशन को पढ़ा है, रीड किया उन्होंने, क्योंकि 10 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि चेन्नई रैनोस की टीम पिछड़ रही है, संघर्ष कर रही है, औसत 10 से ऊपर थी, पूरी तरह से हावी हो रही थी कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। सुदीप अब कुछ खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर सिंगल सेविंग पोजीशन में बुला रहे हैं, जो कि सही सोच भी है क्योंकि 11 रन ही चाहिए 11 गेंदों में। एक खिलाड़ी अब डीप स्क्वायर की तरफ जाता हुआ, कुछ फील्डर्स को अब बाउंड्री में तैनात करना भी जरूरी है क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि अब आसानी से बाउंड्री मिले। बहुत ही ऑर्गेनाइज एक पारी रही, और एक बार फिर गैप में खेलते हुए यहां पे 4 रन और मिलेंगे और नजदीक आती हुई चेन्नई रैनोस की टीम जीत के 150 रन भी पूरे हुए। इस बार पृथ्वी ने जमकर ये शॉट खेला, जगह दी थी और कत्ती का फायदा यहां पर उठाया, किस तरह से कलात्मक शॉट खेला यहां पर, सही दिशा में खेला और के पास कोई मौका नहीं। महज 7 रन चाहिए, 10 गेंदे शेष हैं और 8 विकेट अभी भी बची हुई है। रन लेना चाहते हैं लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। लेकिन सबसे खासियत जो देखने को मिली है बल्लेबाजी में, 2 रन की कोशिश कर रहे थे यहां पर भी, पहला रन बड़ी तेजी से लेते हैं और फलस्वरूप फील्डर के ऊपर दबाव बनता है। बहुत ही खुश यहां पर मातम, मायूस सभी समर्थक। कप्तान के चेहरे से वो जिंक उतर गया है। देखिए वो तो लाजमी था क्योंकि अब बतौर कप्तान और अब डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, काफी उम्मीदें रहती है, अपेक्षाएं रहती है कि उसी प्रकार आप परफॉर्म करेंगे। आज कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम जो उनके पास क्षमता है, जो बैटिंग क्रम है, शायद खरे उतरे नहीं। और चेन्नई रैनोस के लिए अगर आप देखें, सब कुछ टॉस से लेके अभी तक उनके पक्ष में गया है। टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, अच्छी गेंदबाजी की, और देखिए ये जो उनका समर्थक है, बड़े जो सितारे हैं, कितने खुश। धनुष के आने से एकदम पूरा जो वातावरण है उसमें ही ये बदलाव आ गया। लकी चम कहते हैं अंग्रेजी में, और उनके आने के उपरांत जिस तरह से विक्रांत ने बल्लेबाजी की है, बिल्कुल काबिले तारीफ। पृथ्वी ने बहुत ही शानदार तरीके से उनका साथ निभाया, और इस बार एक मौका था लेकिन दर्शकों की तरह देखते रह गए वहां पर कप्तान। लपक कर कोशिश करनी चाहिए थी क्योंकि खेल में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन अब सिर्फ 1 रन की आवश्यकता एक ऐतिहासिक जीत के लिए। जी हाँ बिल्कुल, आप अगर आप देखें स्कोर जो है बराबर हो चुके हैं। एक अवसर था पर आज कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए कुछ भी उनके पक्ष में नहीं जा रहा। भारी किनारा, थोड़ा लेट रिएक्ट किया वहां पे सुदीप ने, काफी करीब से गेंद जाती हुई। कई बार होता है, ये क्रिकेट का खेल है, उतार चढ़ाव होते हैं, और ये बढ़िया गेंद और बहुत बढ़िया वापसी है ध्रुव द्वारा। 19 ओवर की समाप्ति 156 पे 2।
4000 रन बन गए इस टूर्नामेंट में और दाम का योगदान रहा है 45 लाख, और ये और भी बढ़ेगा क्योंकि इसके बाद है और एक सेमीफाइनल और कल फाइनल कल खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस पूरी तरह अग्रसर हो चुकी है, अब तो महज औपचारिकता रह गया है। एक रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी, 8 विकेट बची हुई, और बाउंड्री लाइन पे सभी चेन्नई के खिलाड़ी उत्सुक दौड़ने के लिए। इस बार बड़ा शॉट और शानदार छक्के के साथ इस मैच को जीता। 10,000 रुपयों का दान और खुशी और उल्लास देखिए किस तरह से यह मैच जीता। धनुष के आते ही यहां पर खेल में बदलाव आया था, लेकिन पूरा श्रेय दूंगा यहां पर चेन्नई के खिलाड़ियों को जिस तरह से आज प्रदर्शन किया है। बहुत ही बड़ा मैच था, दबाव वाला मैच था, लेकिन किस तरह से उस दबाव का सामना किया और किस तरह से अपना दबदबा बनाए रखा इस मैच में। तीनों विभाग में, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, फील्डिंग में शानदार प्रदर्शन, और उसके बदौलत 8 विकेटों से चेन्नई राइनोज ने यह मैच जीता। लेकिन बहुत ही बढ़िया यहां पर उदाहरण पेश कर रहे हैं विपक्षी टीम के कप्तान और खिलाड़ी शुभकामनाएं देते हुए। दोनों टीमों ने दो दो बार ये खिताब जीता है, लेकिन 2015 के सत्र में चेन्नई राइनोज ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज सुबह टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं किस तरह से यह मैच जीता, छक्के के साथ धमाकेदार छक्का, और छक्का लगते ही फील्ड पे दौड़ पड़े। खुशी और उल्लास देखिए कितना मायने रखता है सभी खिलाड़ियों के लिए। याद दिला दो, ये पेशेवर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन कितनी लगन दिखाई है, कितना जज्बा दिखाया है इस मैच को जीतने के लिए। बड़ी मेहनत करते हैं और उतना आसान नहीं है ये खेल। यहाँ पर थोड़े वक्त निश्चित तौर पर मायूस होंगे, हताश होंगे केरल, माफ कीजिए, कर्नाटक बुलडोजर्स के खिलाड़ी। कड़ा संघर्ष देखने को मिला, एक बहुत ही रोमांचक मैच, बहुत ही खुश लग रहे हैं वहां पर चेन्नई के समर्थक। एक नजर डाल लेते हैं स्कोर पर, विक्रांत नॉट आउट है 91 पर, विष्णु ने बनाए 19 और पृथ्वी ने बनाए 39 रन, और इन दोनों की बदौलत ये मैच जीता 162 पर 2। 124 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच हुई, और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो प्रदीप को 2 विकेट मिली थी शुरुआत में, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद कोई भी गेंदबाज उतना असरदार नहीं रहा, और बड़ी आसानी से अंत में यहां पर 8 विकेटों से जीत दर्ज की। विक्रांत ने बनाए 91 और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक,